All right, assalamu alaikum everybody, but I have my voice. Can you hear me clearly? All right, ठीक हो गया. अच्छा बच्चों, let's fortunately I feel like कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है आप लोगों को देने के लिए, तो I hope कि तुम लोगों ने कुछ पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग डिस्कस करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट हियर डिटेल ऑफ यस्टरडेज लेक्चर, जो कि हमारा था प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यूरिया साइकिल. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम आस्क यू टू हूसोएवर can quickly come up with the steps of urea cycle and tell me what is the sequential events and how does it take place and what are the influential effects. Aap mein se koi ek bachcha bhi agar is bare mein he wants to or she wants to talk, just right here and I'll ask ki ji uski voice open ki jaye so that everybody can hear. Theek hai, anybody can recall yesterday's urea cycle मतलब बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में. कोई मुझे आप लोगों की ऑफिशियल और बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए. आई जस्ट नीड के whosoever has attained that urea cycle can talk about it. So go ahead. Is there anyone? कुछ तो बोलो, सारे इधर के बैठे हुए हो. कोई है जिसको थोड़ा सा बहुत भी यूरिया साइकिल अब याद हो? Go on यार, have courage so that you can speak. Forty six students. Anybody can hear me? मैं क्या कह रहा हूँ? शहीर, can you talk about यूरिया साइकिल? Nawal, Noor, all of you, I've been watching you, you're keenly taking lectures. Urea cycle pe. Waalaikum salaam beta. Urea cycle ke liye kuch baat kar sakte ho? Acha, koi aur? Anybody can feel like? Aur koi है जिसको नॉलेज है वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो यहाँ भी लिखते सर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बट आई गॉट इट. मेरे लेक्चर में सारे सोए हुए क्यों होते हो? कोई पार्टिसिपेट ही कर लो, हाँ ना कर दो. मेरा मकसद तो आप लोगों को बेसिकली रिवाइज करना है और चैप्टर पे चैप्टर चाड़ने हैं, जिस तरह के स्केड्यूल के अंदर होता है, और जल्दी जल्दी से करना है. बट ऑन दिस वेरी पॉइंट मेरी इंसानियत, मेरा ज़मीर मुझे ये कह रहा है कि यार आई नीड यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग. जितनी देर आप लोग घर बैठे हुए हो, ये आपको डॉक्टर बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. और ना सिर्फ कि डॉक्टर बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बल्कि आप लोगों को हर किस्म के फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और बायोकेमिकल पाथवे को बहुत ज़्यादा हेल्प करे इंशाल्लाह. सो मैं इस टॉपिक के ऊपर बार बार से एक लेक्चर लेके मतलब आई हैव कम बैक टू यू गाइस सो दैट आई कुड यू नो एक्चुअली टॉक अबाउट इट. आवाज आ रही है या आवाज कटी है? साउंड ओके. अब सबको आवाज आ रही है? ओके.
हेलो, अब आवाज आगे मेरे ख्याल से सब आ गया ना। अच्छा चलो, और ठीक हो गया, अब आवाज ओके आ रही है। बस ठीक है, अच्छा बोलो हेरा, आवाज स्लो है अब, ठीक है ख्याल से तो होता नहीं। ठीक है बेटा, सबको बाकी सही आवाज आ रही है। अच्छा लेट्स गो बैक टू द सेम प्रोसीजर। बेटा देखो, लिसन टू मी फॉर गॉड से, आपकी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पहले वाली स्टोरीज एक साइड पे, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दो कंपोनेंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो देम कॉन्सेप्चुअली। पहला कि एनी अमाइनो एसिड व्हिच इज बीन टेकन अप थ्रू योर जीआई ट्रैक्ट इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, देयर इज ओनली वन फेट फॉर दैट अमाइनो एसिड, दैट इज कि हमने उसका नाइट्रोजन एन पार्ट इन द फॉर्म ऑफ अमाइन अमोनिया अमाइड, देयर आर थ्री डिफरेंट कॉन्फिगरेशन ऑफ अ सेम कंपाउंड और मॉलिक्यूल व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो दिस इज द सेम फेट इज गोइंग टू हैपन विद एवरी सॉर्ट ऑफ द प्रोटीन दैट गोज इनसाइड आवर ब्लड स्ट्रीम। So, pehla concept, the first thing that we need to understand, or we need to, you know, make a rule of thumb that whatever the amino acid goes inside, first thing that has to take place is to take off its nitrogen. So, for taking off the nitrogen out of a molecule, there are few steps or there are few distinct procedures. अब इन तीन चार जो डिस्टिंक्ट प्रोसीजर्स है, मेरे साथ बेटा कोलैबोरेट करो, 41 ऑफ यू प्लीज, 46 ऑफ यू प्लीज कोलैबोरेट। हर बंदा अपने जेन में से डाले जल्दी जल्दी से, जिसको जो जो याद आ रहा है कि वो कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनको बॉडी यूज करती है, बॉडी ट्राई करती है नाइट्रोजन से जान छुड़ाए या नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करे, वो कौन से ऐसे बात हुए। कम ऑन बेटा, तुम लोगों के चार चैनल्स खुले हुए हैं, मेरी आवाज आ रही है, कोशिश करो यूटिलाइज योर सेल्फ। आई नीड टू नो कि कितना तुम लोगों के जहन में है अभी। एवरीवन स्टार्ट टाइपिंग। शहीर मेरा मेरा आवाज आ रही है, और लिखो इधर, मैंने तुम सबके भी कैमरा ऑन करवा देने, एंड आई नीड टू सी। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, आप एक स्टेप आगे जा रहे हो, अभी यूरिया पे नहीं जाना, हमने अभी साइकिल पे नहीं जाना। एक मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड में से नाइट्रोजन कैसे निकलता है, कौन से पाथवेज हैं सिर्फ नाइट्रोजन निकालने के। वेरा नूर, वेरी वेरी राइट, वेरी राइट बेटा, बाकी सारे बाकी बोलो। ट्रांस डी सानिया बिल्कुल ठीक, बाकी किधर हो, छह बंदों को आंसर। दिस इज यू नो, बोलो फ्री अमोनिया, ये फ्री अमोनिया बेटा बाद में बनता है, पहले आप मुझे बताओ। हाँ ईशा बिल्कुल सही बेटा, आई एम नाइटर राइटिंग डाउन योर नेम्स, आई नीड 46 ऑफ यू आंसर मी हियर, कम ऑन सब अपने कीबोर्ड उठाओ। हसन ठीक है, रोमान
ठीक है, बाहरा ठीक है, इस्मार ठीक हो गया, ऑल राइट, अतीब बेहतरीन ठीक है, आगे चलो, अजहर सम ठीक हो गया, आयशा राइट, फिर सहर ठीक हो गया, अब्दुल्ला नईम, मैंने पहली दफा नाम ही सुना तुम्हारा बेटा, किधर होते हो तुम, कादरिया जावेद फर्स्ट टाइम, आई हैव यू ऑन चैट हियर, अनम जहरा, फैसल इफ्तखार, वो मेरे नाम वाला बंदा है, पहली दफा मैंने नाम सुना है, भाई तुम कौन हो, इस क्लास में होते हो, वेरी गुड, अजमा आगे चलो, सबने जवाब दिया अपना, ओके बेटा, आई नीड द नेम्स, साजिद आप मेरी आवाज सुन रहे हो, मुझे इन सब के नाम जिन्होंने मेरा जवाब दिया है, इनके सब के नाम चाहिए मुझे, इनशरा खावर बेटा आप मेरी क्लास के हो, इनशरा खावर, और व्हेन डिड यू जॉइन, कब बेटा इनशरा कब आपने ज्वाइन किया हमें, कब से आप इस क्लास में, वसीना पीडीएस MD19 के अंदर, मैंने तो पहली दफा तुम्हारी टाइपिंग देखी है यहाँ लेक्चर्स के दौर, आर यू एक्चुअली डू यू एग्जिस्ट बिफोर दिस कंप्यूटर और नॉट, साजे दिन के सबके नाम चाहिए मुझे, और जिसने नहीं जवाब दिया वो मैं पर बाद में देखूँ, अच्छा very good, all of you have participated and all of you have given a name, so main is concept ko baar baar dohraunga jab tak ki tum aap logon ke andar ye fit na ho jaye, koi bhi amino acid aayega uske andar nitrogen hoga aur jisme bhi nitrogen hoga usme se nitrogen nikalna padega, is nikalne ke liye hamare paas teen raste hain, एक ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अदर मॉलिक्यूल, राइट, एंड फॉर दिस पर्पस द एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड आर कॉल्ड ट्रांसएमिनेसेस, ठीक हो गया, दीस ट्रांसएमिनेसेस दे यूटिलाइज a prosthetic group pyridoxal phosphate which is vitamin B6, so actually the nitrogen which has to be taken up from the required molecule is joins the prosthetic group or pyridoxal group of a transaminase enzyme and later on it will be given to the next molecule which is supposed to be transferred to, right, A se leke B ko nitrogen dena hai, theek hai, Ali se leke in Shirah ko nitrogen dena, to darmiyan mein jo Faisal Iftikhar hamare enzyme hai उनके पास एक विटामिन B6 है, पैराडॉक्सल फॉस्फेट है, जो उनके हाथ में एक फॉर्सेप्स जिस तरह का है, तो फैसल इफ्तिखार क्या करते हैं, अली इफ्तिखार से नाइट्रोजन को अपने पैराडॉक्सल फॉस्फेट के थ्रू पकड़ते हैं और इंशरा के पास लेके जाते हैं और अपना फॉर्सेप्स यानी पैराडॉक्सल फॉस्फेट खोल देते हैं और मेरे से नाइट्रोजन लेके इंशरा को पहुंचा दिया, सो दिस होल प्रोसेस फैसल एंड इंशरा इसे कहते हैं ट्रांसएमिनेशन,
समझ आई है फैसल? और इंशा मेरे ख्याल से फैसल अब दोबारा से गायब हो गया फैसल। ओके गुड, तुम दोनों एग्जिस्ट करते हो मुझे इस चीज का यकीन होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका जो कि इस सारे प्रोसीजर के अंदर यानी एमिनेशन को रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन का जो दूसरा प्रोसीजर है, पहला हो गया ट्रांस एमिनेशन और दूसरा जो मैं आप बता रहा हूँ वो है डी एमिनेशन। डी एमिनेशन का मतलब है कि उतार के ले जाओ, देना ही नहीं है किसी को। इस पर्पस के लिए अली इफ्तिखार, डॉक्टर अली इफ्तिखार के पास नाइट्रोजन है और वो इस वक्त एक अमाइनो एसिड है जो कि एक ह्यूमन बॉडी जिसके एविसिना की क्लासरूम में खड़े हुए और एंजाइम आता है जिसने मेरे से डीएमिनेशन करवाना। अच्छा जी, ये एंजाइम का क्या नाम है? ये इस एंजाइम को कहते हैं डीएमिनेशन एंजाइम, कादरिया जावेद। ठीक है जी, अब कादरिया जावेद ने क्या करना है, अली इफ्तिखार से नाइट्रोजन उतारना है और इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू समबडी इसको जाया कर देना। ठीक है, इस कादरिया जो एक डीएमिनेशन एंजाइम है इसको जाया करने के लिए वो जो मींस या टूल्स उसके हाथ में, जो फॉर्सेप उसके हाथ में है, वो वाटर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी एक हाइड्रेटेज। कादरिया बेसिकली बाय नेचर एक हाइड्रेटेज एंजाइम है। ठीक है, ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा, वाटर के वजह से एक बॉन्ड तोड़ेगा और उससे कोई चीज निकालेगा। सो कादरिया क्या करेगी, वो कहेगी वाटर इंट्रोड्यूस, यानी एक वाटर म्यूटी इंट्रोड्यूस करेगी, नाइट्रोजन बॉन्ड मेरे से तोड़ेगी और समझें कि जी वो जो वाटर म्यूटी है वो मोहम्मद अहमद जावेद है। ठीक है, ये भी एक रेयर एंजाइम है या एक रेयर इंसान है जो कि मुझे कम ही नजर आते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद अहमद जावेद साहब एक हाइड्रेटेज है। मोहम्मद अहमद जावेद साहब के पास क्या चीज है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन इनकी पॉकेट्स में पड़े हुए। तो जब कादरिया जावेद मेरे से नाइट्रोजन तोड़ती है तो मोहम्मद जावेद साहब क्या करते हैं, एक नाइट्रोजन के साथ अपने तीन हाइड्रोजन दे देते हैं। सो मोहम्मद जावेद और कादरिया दे आर वर्किंग इन ग्रुप, दे आर वर्किंग इन कोलैबोरेशन। तो जब वो तीन हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन को देते हैं तो अमोनिया का यानी अमाइड फॉर्म में सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड NH3 बनता है एंड विच इज अ सॉल्युबल इन मॉलिक्यूल और अ सॉल्युबल म्यूटी इन प्लाज्मा। वैसे तो प्रोटीन सॉल्युबल नहीं है, ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इनकी हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक एंड जरूर होते हैं, मगर जब ये अमोनिया या अमाइन के फॉर्म में बनते हैं तो ये वाटर सॉल्युबल। तो डीएमिनेशन के अंदर हमेशा क्या होगा, जब नाइट्रोजन एक अली इफ्तिखार से उतारा जाएगा तो डीएमिनेशन के प्रोसेस में ये नाइट्रोजन और कहीं नहीं जाएगा, ये सिर्फ अमोनिया बनाएगा और इस अमोनिया बनाने के लिए एक डीएमिनेशन एंजाइम होगा कादरिया जावेद जो कि बाय नेचर हाइड्रेटेज होगा और इसके पास भी जो फॉर्सेप होगा, जिस तरह के फैसल इफ्तिखार के पास था, इसके पास भी जो फॉर्सेप होगा वो दैट वुड बी पैराडॉक्सल फॉस्फेट ग्रुप विटामिन B6। ये इसके हाथ में भी विटामिन B6 का फॉर्सेप होगा। ये जब नाइट्रोजन उतारने की बात करेगा तो नाइट्रोजन उतारने के लिए इसे हेल्प क्या करेगा, पैराडॉक्सल फॉस्फेट करेगा। अब पैराडॉक्सल फॉस्फेट जो फॉर्सेप है इसने अपने साथ नाइट्रोजन ना पहले लगा कर रखा ना अब लगा कर रखा, इसने किसी दूसरे को देना ही देना है। बट इन द केस ऑफ डीएमिनेशन ये फॉर्सेप सिर्फ फैसल मोहम्मद अहमद जावेद जो कि एक बैंक ऑफ हाइड्रोजन है उसको देगा और ये बना के अमोनिया बना के रिलीज कर देंगे, ना कि ये किसी और को देंगे। सो कादरिया एंड मोहम्मद अहमद जावेद डू यू रियली नो कि आप लोगों ने क्या किया, डू यू अंडरस्टैंड?
ओके okay. हाँ जी अमित भाई, कितने हैं आप? शुक्र है आप दोनों भी मौजूद हैं मेरे पास। ठीक है, तो ये बेटा अब तक हमारे पास दो प्रोसीजर हो गए, ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन। ठीक हो गया, अब आ जाते हैं हम सर तीसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस है ट्रांस और डीएमिनेशन ऑल टुगेदर। ठीक है, यानी इसमें सबसे पहले ग्रुप आएगा, जो सबसे पहले काम करेंगे वो इंशरा और फैसल, वो पहले करेंगे ट्रांसएमिनेशन। ठीक है, मेरे से लिया और फैसल को दे दिया। फैसल को दे दिया ना, फैसल एंजाइम था या वो था अगला मॉलिक्यूल था? मेरे ख्याल से फैसल मॉलिक्यूल था, हमने फैसल को मॉलिक्यूल कंसीडर किया था, फैसल एंजाइम था। ठीक 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 है, तो फैसल ने अली इफ्तिखार से नाइट्रोजन उतारा और इंशरा को दे दिया। अब इंशरा के सामने कादरिया आई, जो कि एक नेक्स्ट एंजाइम, ठीक है, और उसने इंशरा से भी नाइट्रोजन उतारा और अहमद जावेद को दे दिया, और उसने क्या किया, एन फॉर्म में NH3 बनाकर रिलीज कर दी। ठीक हो गया। सो जब ट्रांस और डीएमिनेशन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांस डीएमिनेशन और द थर्ड पाथवे ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इट इज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसएमिनेशन अलोंग विद डीएमिनेशन। सो पहले इसके अंदर कितने लोग इन्वॉल्व हो गए? पहले हर प्रोसीजर के अंदर दो थे, अब हम चारों का ग्रुप मिल गया। ठीक है, चार बंदे आगे हैं, इंशरा, फैसल, कादरिया और अहमद, और एक बंदा मैं पीछे हूँ जिसने डोनर ग्रुप हूँ। ठीक है, मैंने देना है नाइट्रोजन। सो फाइव, अ ग्रुप ऑफ फाइव मॉलिक्यूल्स इज इन्वॉल्व्ड फॉर लीडिंग दिस प्रोसीजर। और ये प्रोसीजर क्वेश्चन रेज होता है किसी इंटेलिजेंट बंदे में, जिस तरह का हिरा इंटेलिजेंट है, जिस तरह का शहीर बहुत इंटेलिजेंट है, और जिस तरह की अनम बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये लोग, इस तरह के जो इंटेलिजेंट या ताजीन मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये इनके जहन में आता है, सर देखें ट्रांसएमिनेशन हुआ, आपने कहा एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना, ख़त्म हो गया। आपने कहा सर डीएमिनेशन हुआ, एक सॉल्युबल मॉलिक्यूल बना, ख़त्म हो गया। सर क्या ये ज़रूरत है कि आप इन दोनों प्रोसीजर्स को मिला दिया जाए? इसके अंदर मैं सर बेटा आप लोगों को बताऊँगा कि ट्रांस डीएमिनेशन सबसे कम होता है एक बॉडी के अंदर, मगर इट इज टेकन प्लेस इन वेरी स्पेसिफिक रीजन्स। ठीक है, जहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट्स हैं उनका या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसका एनर्जी सोर्स या उसकी एनर्जी पावर अपने प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा होता है। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को आगे सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड थोड़ा बहुत अभी इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। ठीक, तो वो क्या होता है, वो जो अपना नाइट्रोजन ट्रांसएमिनेज ने लिया होता है या डीएमिनेज, उसको वापस क्लीव ऑफ कर सकते हैं। सो ऐसी प्रोसीजर्स के अंदर जब बॉडी ने एक एंटायरली डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाना होता है, जिस तरह कल मेरी छोटी सी बात हुई थी N5N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस के अंदर मिथाइल। ठीक है, जब बॉडी ने इस तरह का एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाना होता है, उस स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर बॉडी दोनों प्रोसीजर्स को कंबाइन कर। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी के जो पाथवेज हैं वो आपने पढ़े, और आई होप कि अब आप लोगों को समझ आ गए। ठीक हो गया, इसके बाद हम चलते हैं बेटा आपके द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूरिया साइकिल। ठीक है, यूरिया साइकिल। अच्छा, मेक श्योर कि आप लोगों को मैं इधर ये याद कराऊं या एक चीज बात बताऊं बेटा आप सबको, डिस्पाइट देखो एक मल्टी डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, फाइव डायमेंशनल टास्क है आप लोगों को ऑनलाइन टीच करने का। अगर कोई भी बंदा आप में से, मेरे में से, या एडमिनिस्ट्रेशन में से, या पेरेंट्स में से उठ के ये कहता है कि जी ड्यू टू सम रीज़न एक्स वाई जेड, या
वन ऑफ द मॉड्यूल्स ऑफ दिस ऑनलाइन टीचिंग इज फेल्ड, या ये गलत है, या ये पॉसिबल नहीं हो रहा, या दिस इज नॉट वर्किंग आउट, तो हम लोग मिल के इस पूरी सिस्टम को, जो कि एक रेमेडी सिस्टम है इन द टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है, हम उसे जेपरडाइज कर रहे हैं, हम उसको जेपरडाइज, हम उसको डिस्करेज कर रहे हैं, कर जेपरडाइज ना भी कर सके, हम उसे डिस्करेज कर रहे हैं। सो बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए रीजनेबल ह्यूमन बीइंग्स, अल्लाह ने जो मौका दिया, जैसा दिया है, उस पर शुक्र करना चाहिए। और शुक्र करने का यही नहीं मतलब कि शुक्र करना चाहिए उसको, शुक्र अल्लाह ताला को भी समझ आता है, नियतों का हाल होता है, कि आप उसको अप्रिशिएट करना चाहिए टू द फुलेस्ट, ठीक है। ये नहीं कि एटलीस्ट मुझे ये मिल रहा है, बल्कि शुक्र करने का जो एक अंदर से नियत होती है ना, जिसके ऊपर अल्लाह ताला फिर नेमतें बढ़ाता है, मुझे ये मिल गया, एटलीस्ट मुझे ये मिल गया, नहीं ये तो वो हो गया ना, चलो मिनिमम मिल गया, जस्ट ओके फाइन। शुक्र जो कि अनबिया ने, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस शुक्र की तबलीग की है, जिस शुक्र का शेयर, वो ये है कि जब अल्लाह ताला कोई चीज़ दें तो ऐसे उसे खुश हो, या उसके लिए ऐसी तलब रखो कि जैसे कि आपको अपना सबसे बेहतरीन या मकसद मकसूद मिल गए। सो इस खुशी को, इस नीयत को, इस लव एंड एडोरेंस को, जैसे कि एक छोटा सा बेबी आता है आपका, और वो आपको एक गद्दी सी अपनी हैंड राइटिंग में या अपनी ड्राइंग में एक छोटा सा आपको कार्ड या अपनी तरफ से एक जेस्चर ऑफ लव देता है, हालांकि दैट इज कुछ पिकासो की या कोई किसी इंटरनेशनल पेंटर की वो डिज़ाइनिंग नहीं होती, वो एक बच्चे के हाथ से, बट अ जेस्चर ऑफ लव होता है, सो इट इज़ वेरी डियर एक्चुअली। और आप उस बच्चे से इतना खुश होते हो, उसने आपको फटे हुए कागज़ पर कुछ बना के दिया होता है, एंड यू इमिजिएटली कोई महंगी सी चॉकलेट, कुछ चीज़ आपका दिल करता है अप्रिशिएट करने। सो दिस इज हाउ वी शुड बी इन फ्रंट ऑफ अल्लाह ऑलमाइट, हमें अल्लाह ताला के सामने उनकी इस तरह की शुक्र करना चाहिए। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, जहाँ तक आप बात कर रहे हो ना कि बेटा ऑनलाइन सिस्टम के अंदर मैं आप लोगों के एग्जाम्स चेक करता हूँ, नहीं आप लोगों के भी नहीं अकेले करता, मैं आपके जो नेक्स्ट बैच है, जो आपसे इमीडिएट सीनियर्स हैं, उनका भी पेपर्स चेक कर रहा हूँ, मैं MBBS के भी सारे सालों के पेपर्स चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऑनलाइन सिस्टम में जो थोड़ी सी फैकल्टी है अब एवेसिना की जो के ऊपर थी, वही रह गई है, तो उन्होंने ये सारे काम एग्जीक्यूट करने हैं, अब नीचे बाकी के डॉक्टर्स इस वक्त इन्वॉल्व नहीं है, इंशाल्लाह जब कोविड ख़त्म होगा तो देन हमारा काम भी थोड़ा सा काम हो जाएगा। मुझे इस चीज़ का क्लियर कट अंदाज़ा है कि मोस्ट ऑफ यू आर नॉट फेयर इन सॉल्विंग द पेपर्स, और अगर आप लोगों में से किसी एक को इस बारे में शक हो कि सर आपको नहीं पता चल सकता, तो मैं इतना ज़्यादा कंप्यूटर लिटरेट भी हूँ, और मज़े की बात है जो इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को दिया गया है मॉडल, वो इतना स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है कि आप ये ना सोचो कि अगर आपने एक चीज़ टाइप की है तो, और एक चीज़ आपने कॉपी पेस्ट की है तो वो नहीं बताएगा, या आपने ड्यूरिंग टाइपिंग आपने अगर कोई एक्स्ट्रा सोर्स इस्तेमाल किया है तो वो आपको नहीं बताएगा, वो एक एक चीज़ की रिपोर्ट दे देता है, बल्कि ये तो सॉफ्टवेयर है, ऊपर से हमें खुद से भी बहुत सी नॉलेज है। अगर मैं इस चीज़ को डिस्करेज नहीं करता, मैं आपके क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ, और वही जो एक बंदे ने या 40 बंदों ने कॉपी पेस्ट किया था, मैं उसके हिसाब से नंबर भी दे देता हूँ। ये बेटा आप लोगों का मजे की बात है, घर में बैठे हुए लेक्चर्स लेते हो, अम्मी अबू सामने होते हैं, घर के हालात आजकल बहुत से घरों के बड़े मुश्किल जा रहे हैं, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो वैसे डाउन है, जो जॉब कैडर में एम्प्लॉयड लेवल है वो वैसे डाउन है, ठीक है, और जो द थर्ड प्रोफेशन इन पाकिस्तान व्हिच इज मोस्ट प्रोबेबली इज एग्रीकल्चर, वो तो बेचारे पहले ही शायद जो एग्रीकल्चर कमा रहे हैं, या तो वो तो बहुत बड़े सेठ हैं नवाब हैं, या तो वो बेच बेच के खा रहे हैं, उनका तो कोई हाल पहले नहीं किसी ने छोड़ा। सो कहने का मकसद ये है कि मेरे भाई
जो मेरे लड़के बेटे और जो मेरी लड़की बेटियां या बहने जो इधर बैठी हुई हैं, उनको अपने माँ बाप की पिक्चर राइट अवे दूसरे कमरे में नजर आती है। सो अगर आप लोग डिसऑनेस्ट हो तो आप लोग बहुत ही बहुत मतलब मैं क्या कह सकता हूँ डिसऑनेस्ट हो तो आप लोग इन्हीं आप लोगों को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा चांस दिया, आप लोग बदनसीब हो कि माँ बाप को सामने देखते हुए भी आप लोग ऑनेस्ट नहीं हो उनके पैसे के साथ। यार बाप का तो पैसा हलाल करना जो तुम पे लगा तो वो उस बड़ी ज्यादती होती है, अल्लाह ना करे कि तुम लोग ऐसा करो। तो मेरे ख्याल से ये छोटा सा एक मॉरल लेसन था ना, वो इसलिए था कि बेटा आप लोग नहीं फेयर चल रहे हो, आप लोग नहीं आउटपुट दे रहे, बहुत अच्छे बच्चे हो, मैं तुम लोगों से बातें करता हूँ मुझे अच्छा लगता है, बहुत से तुम लोगों से मुझे कभी फ़ोन भी करते हैं ये वो, अच्छे शरीफ बच्चे हो यार, मतलब कन टूटे नहीं हो जिस तरह के सरकारी अस्पतालों में क्लाशनकोफों के साथ बैठे होते हैं, अच्छे घरों के अच्छे बच्चे हो। प्लीज़ अपने माँ बाप के साथ ना, अपने अल्लाह और अपने माँ बाप के साथ, यही दो चीज़ें हैं जो कि तुम्हें ज़िंदगी में हर कामयाबी दे देंगी, इनके साथ सेंसियर और लॉयल रहो, मतलब आई मीन इनसे ऊपर कुछ नहीं है, अल्लाह से ऊपर कुछ नहीं है और अल्लाह के बाद इस दुनिया में माँ बाप है। और मेरे ख्याल से दिस इज़ द लीस्ट एंड द लास्ट, ठीक है, जिसने इन दोनों मतलब जातों के साथ वफा कर दी वही वफादार है, वही कामयाब, और हक भी इन्हीं के है। तो प्लीज़ बेटा आप लोग यार थोड़ा सा इनपुट दो अपने आप को। और ये कहने का मकसद ये है कि टुमारो चैट है मेरा मुगल के अंदर, हर बच्चे को मैंने जब इंटीमेट किया था बहुत से बच्चों को अपने अटेंडेंस के बारे में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सर वो कम्युनिकेट किया, मेरा मेल बॉक्स है, मेरा वैसे टेक्स्ट नंबर है, व्हाट्सएप उस पर भी चलता है। आप सब ने अपनी नरेशन में बेटा गलत सही ऑनेस्टली मैं अप्रिशिएट करूँगा, अपनी नरेशन में एक खाया हुआ प्रोटीन ऊपर से ले के नीचे तक आपने मुझे सारी स्टोरी बना के देनी। अभी तक आपने मुझे शुरू कहाँ से करना, प्रोटीन खाया वो मुँह में गया, उसके बाद कौन से प्रोटीएजेस हैं, फिर कौन से प्रोटियोलिटिक्स हैं, फिर अब्सॉर्प्शन कैसे है, फिर उसको रेगुलेट कैसे किया, और फिर उसके साथ पहला स्टेप डीएमिनेशन का है, ठीक है, डीएमिनेशन के बाद जो पीछे बच गया वो कार्बोहाइड्रेट बन गया, और वो कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद वो से तो चला जाएगा टीसीए साइकिल में, आपको पता है कि पाइरूवेट ग्लूकोजेनिक और लिपोजेनिक आपके वो होते हैं प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स, वो आपको पढ़ाए होंगे डॉक्टर आयशन, दो टाइप के होते हैं, तो वो तो खैर उस पर डिबेट नहीं करेंगे आगे फर्दर साइकिल्स पे। तो जो दूसरी चीज जो कि हमने प्रोटीन मेटाबोलिज्म के अंदर पढ़नी है वो है नाइट्रोजन की रेगुलेशन। तो नाइट्रोजन की रेगुलेशन कहाँ से शुरू होती है, यूरिया साइकिल। तो बेटा मैं आई बिलीव 46 ऑफ यू अल्लाह ताला के वो लोग हो, मैं खुद भी उसमें इंक्लूड होता हूँ, हम इस एविसिना में ले लें या जिस मेडिकल कॉलेज में ले लें, हम लोग उन लोगों में से हैं कि मैं आप लोगों को कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कुरान पाक की आयत का रेफरेंस और कट आउट कट पेस्ट करके दूंगा, और उसमें अल्लाह ताला ने ये लिखा है कि जिसको मैंने इल्म हिकमत दी है मैंने उसे अजर अजीम दिया, जिस तरह के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मुल मोमिनीन बेटी पैदा हुई थी हजरत फातिमा रज़िया ताला अन्हो, ठीक है, तो उस ज़माने में कुरैश के हिसाब से उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने दिए थे कि ए नबी आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, वो तो मेरे रब के महबूब हैं, क़यामत तक उनके नाम लेने वाले रहेंगे इंशाल्लाह। तो सूरह कौसर नाजिल हुई थी कि हमने आपको अजर अजीम दिया है, ठीक है बेटा, बहुत बड़ी बात है कि अगर नबी पाक सरदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अजर करीम खिलाई गई
और दूसरी तरफ इल्म हिकमत का अजर करीम का लाया गया, और ये कुरान की आयात है, मैं आपको निकाल के दूँ। यानी अल्लाह पाक ने सेम वर्डिंग इस्तेमाल की हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फॉर्म में औलाद नबी की, नबी के लिए, और वही इल्म हिकमत के लिए। तो बेटा हम 46 ऑफ अस आर वेरी लकी और द रेस्ट आर वेरी लकी कि अल्लाह ताला ने हमें, वी आर द चोजन वंस, ठीक है ना, आउट ऑफ 28 करोड़ पीपल लिविंग इन पाकिस्तान वी आर द ओनली 18,000 लकीस्ट पीपल, ठीक है। अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत को, इतने बड़े चॉइस को डोंट लेट इट डाउन। क्यों हम लोग क्यों चोजन वन है, मैं वो भी वजह आपको बता दूँ, क्योंकि हम के सब के दिल के अंदर इंसानियत और कंसिडरेशन ज़रूर है। हम जुल्म नहीं देख सकते, हम जुल्म नहीं कर सकते, हम जालिम नहीं हो सकते, हम किसी की जान नहीं ले सकते, ठीक है। हम वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा। सो बेटा बी सेंसियर, अपने माँ बाप के साथ ना जुल्म करना। मैं आज आता हूँ बता रहा हूँ, टाइम तो हंसी खुशी ऐसे गुजरेगा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि MBBS BDS कब खत्म हुआ, मगर बेटा कल को ना दिस विल कम बैक, इट इज समथिंग दैट विल कम बैक। अगर माँ बाप के साथ तुमने उनके उनके पैसे, उनके टाइम, उनकी ख्वाहिशात के साथ आज जुल्म नहीं करोगे ना, तुम देखना कल को तुम वही बंदे हो या बच्चा या बच्ची बनोगे जो कि इन्हीं को संभालोगे, खुद से भी दिल से सेटिस्फाई। जब तुम अपने माँ बाप को संभालोगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इस काबिल होगे, तो तुम लोगों को एक फीलिंग आएगी, ऑनेस्ट टू अल्लाह, ऑनेस्ट टू अल्लाह, तुम लोगों को ये फीलिंग आएगी कि यार मैं जन्नती हो गई, जब माओ के बाबा की दुआएं, और तुम लोग भी सेटिस्फाई होगी यार माँ बाप हमारे ठीक हो, तुम्हें जब वाकई जन्नत है, तुम यू विल बी द मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन इन द फेस ऑफ अर्थ। इतनी बड़ी फीलिंग है माशाल्लाह से, जब आपको सिर्फ ये आती है कि आई हैव टेकन केयर ऑफ माई पेरेंट्स। तो बेटा मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि यू गो अहेड एंड यू वर्क हार्ड, अपना ये टाइम सिंसियरिटी के साथ दो, जितना भी देना, आधा घंटा देना, दो घंटे देना, 10 घंटे देना, बी सिंसियर टू योर पेरेंट्स, ठीक है। सो अब हमने फैसल, इंशरा, जावेद अहमद और कौन थी तीसरी, चौथा कौन था, कादरिया, हाँ, इनकी मदद से हमने आपको नाइट्रोजन उतारने के 3 तरीके बता दिए। अब इसके बाद बेटा हमारी जो सबसे मुश्किल चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसका बड़े लोगों से नाम सुना होगा, ठीक है ना, पुराने बड़े बुजुर्ग डॉक्टरों से पूछोगे तो यूरिया साइकिल हो गए, बड़ा मुश्किल चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ है, और उनको पता भी नहीं होगा, मगर हमने आप इसको इतने प्यार से पढ़ना है, इतनी प्यारी स्टोरी इसकी बनानी है कि हमें सारी ज़िंदगी ना सिर्फ ये आता होगा बल्कि इससे रिलेटेड 101 डिजीजेस और 101 कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना आता होगा इंशाल्लाह। तो अब यूरिया साइकिल पे आ जाते हैं। यूरिया साइकिल है क्या? देखो अमोनिया जो NH3 है, ठीक है, या नाइट्रोजन जो इटसेल्फ है, ये हमारी बॉडी के लिए एक किस्म की जहर है, इज अ पॉइजन फॉर आवर बॉडी। अब क्वेश्चन अराइव्स और क्वेश्चन देयर कि सर हम कहते हैं नाइट्रोजन पूल है हमारी बॉडी में, हमारा टर्नओवर पूल है, हम नाइट्रोजन, हमने कहा नाइट्रोजनस कंपाउंड हमारे खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वी कैन नॉट सर्वाइव, देन वी से कि जी नाइट्रोजन इज पॉइजन। बेटा ये जो क्वेश्चन, ये ताजीम जिस तरह की मेरी इंटेलिजेंट बच्चा जो है अनम जिस तरह, शहीद जिस तरह, कादरिया जिस तरह, इंशरा जिस तरह की, ये जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में और सारा कुछ सुनते हैं, इनके जहन में क्वेश्चन आएगा यार व्हाट इज दिस क्रैप। एक तरफ से हम ये कहते हैं कि यार दिस प्रोटीन, दिस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, एंड ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, वी से दिस इज द पॉइजन, हाउ कम्स। सो देयर इज एन अंडरलाइन वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ इट।
These nitrogenous compounds are way too necessary for our body. जब हम प्रोटीन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम इस बात को रिवील आउट करते हैं कि why they are the most important one. Why they are the most important one? Because due to the nitrogen moiety which they lose when they get inside our body, इनके पास एक significant potent platform बनता है. जिस तरह हेलीकॉप्टर के बैठने के लिए वो हेलीपैड नहीं होता, इनके पास एक ऐसा खूबसूरत हेलीपैड नीचे से निकलता है जब नाइट्रोजन ऊपर से उठाते हैं, जो कि उसके ऊपर या ऐसी बेस निकलती है, जैसा घर की नींव नहीं होती, ऐसी खूबसूरत नींव निकलती हैं जिसके ऊपर आप अगर चाहें कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा कर सकें. सो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी बॉडी के लिए. इनका नाइट्रोजन जब निकलता है, इनकी नाइट्रोजन की वजह से नीचे बहुत खूबसूरत सी एक बिल्डिंग ब्लॉक निकलता है जिसे हमें हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है फॉर बिल्डिंग रिपेयर पर्पसेस. ठीक है, ग्रोथ, रिपेयर एंड स्टोरेज. अब ये तो होगी नाइट्रोजन की वजह. अब अमोनिया क्या इफेक्ट है? जब ये नाइट्रोजन निकलता है, हमारी बॉडी को इस नाइट्रोजन से भी बड़ा प्यार है. ये नाइट्रोजन, जब मैंने आपको एसिड बेस लेवल पढ़ाया था, बॉडी फ्लूइड, एसिड बेस रेगुलेशन मैंने नहीं पढ़ाया था, बॉडी फ्लूइड आपको पढ़ाया था. जब आप एसिड बेस लेवल पढ़ते हैं तो आप देख, आपको इस बात का पता चलता है कि आपकी जो बॉडी के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ सर्वाइवल है, दैट इज पीएच. मेंटेनिंग पीएच ऑफ 7.4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट फॉर आवर बॉडी. मेरी आवाज सबको आ रही है? कोई आवाज में तो इशू नहीं आया? एवरीबॉडी कैन लिसन टू मी? ठीक है, ठीक है, ठीक है. मज़े में रिपीट करता हूँ. नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंट क्या है? नाइट्रोजन हमारी बॉडी का पीएच 7.4, जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए ना तो हमें मौत नजर आना शुरू हो जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारा ही नाइट्रोजन. ठीक है, मगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होके हमें मौत नजर आती है, इसका मतलब ये है कि ये नाइट्रोजन ना बढ़ सकता है, ये बैंक ऐसा बैंक बैलेंस है ना, ये बढ़ सकता ना ये कम हो सकता. ठीक है, तो जैसे ही आप उसको कम करेंगे उस बैंक बैलेंस को, बॉडी को हम कहेंगे कि बैंक बैलेंस को आप उस बैंक बैलेंस को ज्यादा करेंगे, बॉडी के एक्टिव बैंक बैलेंस कम. सच अ ब्यूटीफुल रिलेशन ऑफ बॉडी विद दिस नाइट्रोजन कि दे नीड टू बी मेंटेन. पहली बात. हाँ, दूसरी बात, इस नाइट्रोजन को मेंटेन करने के लिए, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास यूरिया साइकिल बना. ठीक है, अब जो जो नाइट्रोजन आपने तीन प्रोसीजर्स ऑफ ट्रांस डी और ट्रांस डी से उतारा, उसको फिक्स करना. अब जो हमारी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर है वो है हमारा ब्रेन, मगर जो हमारे बॉडी का सीएम है ना, जिस जो पहले एक्टिव होता था शहबाज शरीफ के फॉर्म में, सॉरी टू ऑल पीटीआई लवर्स, मगर जो अभी है सीएम पंजाब, वो तो समझ नहीं आती उसको क्या कहना चाहिए. ठीक है, मगर जो एग्जीक्यूशनर है, जिसने कमांड लेने के बाद, प्राइम मिनिस्टर के बाद उसने एग्जीक्यूट करना है और उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड में लाना है, सीएम जो होता है, चीफ मिनिस्टर जो होता है, वो हमारी बॉडी का है लिवर. लिवर ने क्या करना है? उसने कहना है अच्छा जी ये नाइट्रोजन आ गए इधर इधर, बॉडी ने उसे कहा कि मुझे इतने नाइट्रोजन चाहिए, ब्रेन ने उसे कहा कि इतना नाइट्रोजन मुझे चाहिए या इतना प्रोटीन चाहिए मुझे डोलों के अंदर. शेवार साहब आजकल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो उनके मसल ज़्यादा होने चाहिए. ठीक है, सानिया को आजकल खाना पीना उसने बंद किया हुआ, डाइटिंग पे तो उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, तो लिवर फौरन सर की बात मानेगा, शेवार के अंदर मसल्स में भेज देगा प्रोटीन, सानिया के अंदर बोन्स के साइड में भेज देगा कॉलेजन सिंथेसिस में, और निम्रा सही खा रही है, निम्रा ने दो चार प्लेटें रोजाना ख़त्म की होती हैं, तो वो कहता है यार ये जो प्रोटीन आ रही है ना ब्रेन, उसे कहता है इसको तो पूरे को पूरे निकाल दे यार, शी इज़ नॉट इन शॉर्ट ऑफ एनीथिंग. ठीक है, तो लिवर ने ये सारे ऑर्डर्स को एज इट इज़ निम्रा सानिया शेवार सबको फॉलो करना. ठीक है, तो
तो उस फॉलोअप के अंदर उसके पास प्रोसीजर है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल इस सारे प्रोसीजर को मॉनिटर करता है। अब वेयर डज इट टेक्स प्लेस इन द लिवर? लिवर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, एक बहुत बड़ी एसोसिएशन। इन द लिवर वी हैव हेपेटोसाइट्स। देयर आर अदर पाथवेज दैट टेक प्लेस आउट ऑफ द हेपेटोसाइट्स, बट देयर आर मेटाबॉलिक पाथवेज दैट टेक प्लेस इन द हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट्स क्या होते हैं? दे आर द सेल्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिवर। ठीक है जी। तो इंशा, ईशा, ईशा ईशा है, हाँ ईशा, नमाज ईशा वाला ईशा या ईशा काशिफ, ईशा काशिफ, आई एम आस्किंग यू, इज इट ईशा और इज इट ईशा? अच्छा, गुड, वेरी नाइस नेम। अच्छा जी, अब इस यूरिया साइकिल को फोकस किया हुआ, सबके पास है ये और ई बुक है ना, या बेटा सारे खोलो अपना यूरिया साइकिल करो, चैप्टर 19 के अंदर, एक बार मुझे रट्टा याद करने दे, मेरा रट्टा है, मुझे पेज नंबर भी याद होगा, चैप्टर 19 पेज नंबर 197, जल्दी से खोलो किताबें, मुझे बताओ पेज नंबर क्या है, किताबें खोलो, 257 नहीं, 257 गलत हो गया, ओके, चैप्टर 19 पेज 254, सबने खोला हुआ अपने सामने, ये यूरिया साइकिल की ये इमेज नजर आ रही है, ओके गुड। अब इस यूरिया साइकिल को हम पढ़ना शुरू करेंगे, ये जो पिंक लाइन से अंदर वाली साइड, कल भी इसी से पढ़ाया था, आज भी इसी से पढ़ा, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि वैसे तो ऑर्निथिन हम लोगों को, ये जो वे प्रोटीन्स जो लोग खाते हैं, ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाते हैं, उसके ऊपर बड़ा बड़ा सा बोल्ड करके ऑर्निथिन लिखा होता है, ठीक है, मगर ऑर्निथिन का एक स्टोर हमेशा से एडिक्वेट स्टोर हमारे पास मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रियल हेपेटोसाइट्स में। और वो क्यों मौजूद होता है? क्योंकि ये एक वो आप समझें कि वॉच डॉग है हमारे हेपेटोसाइट्स का, कि जैसे ही आप किसी किस्म का भी प्रोटीन डिग्रेड करेंगे, ये इट कम्स इनटू द रिएक्शन। सो वन रीजन इज दिस, दैट ऑर्निथिन रेगुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन इनटेक ऑफ नाइट्रोजनस मेयोरिटी मॉलिक्यूल और अमाइनो एसिड्स। वन रीजन, वन रीजन टू, ऑर्निथिन इज द वन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड विच हैज ट्रांसपोर्टर्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इंपोर्ट या सिंपोर्ट ट्रांसपोर्टर्स इसके लिए मौजूद हैं माइटोकॉन्ड्रियल या मैट्रिक्स मेम्ब्रेन के ऊपर। आपको पता है ना, अभी हमने सेल पढ़ाया, तो मैट्रिक्स के अंदर हर चीज नहीं जा सकती, उसके स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स हैं। सो द अदर रीजन क्यों हम यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन से बेस करके बढ़ते हैं, क्या अगर अब इसी डायग्राम को देखो, ऊपर ऑर्निथिन है, नीचे सिट्रोलिन है, सिट्रोलिन के लिए एंटीपोर्टर्स हैं, ये सिंपोर्टर्स हैं, वो एंटीपोर्टर्स हैं, ठीक है। सिंपोर्टर्स ने क्या करना, अंदर लेके जाना, एंटीपोर्टर्स ने क्या करना, बाहर लेकर आना। सो ऑर्निथिन के लिए सिंपोर्टर्स मौजूद हैं। सो दिस इज द ओनली अमाइनो एसिड कम्युनिकेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू इनसाइड द मैट्रिक्स मेम्ब्रेन और टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह सकते हैं, और टू द मेटाबॉलिक स्पेस कह सकते हैं। इस दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में बहुत कुछ होता है, वो आपको बहुत सी चीजें पढ़ाई नहीं है, बहुत सी चीजें, अब आपको जब भी प्रोटीन पढ़ेंगे सारा कुछ रिकॉल होगा, ठीक हो गया। अब इन सिंपोर्टर्स ने क्या किया, ऑर्निथिन अंदर आया, ऑर्निथिन ने, अब इस डायग्राम के अंदर ही देखें, ऑर्निथिन सिट्रोलिन के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है, इन दोनों के साथ एल 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 सब के साथ लिखा हुआ है टिल द एंड, क्यों, क्योंकि एल इज अ फॉर्म ऑफ द आइसोमर व्हिच कम्स वर्क्स क्विकली,
इसका एक और मतलब भी है कि बेटा when amino acid arrives inside the hepatocytes, it has the quickest pathway to work around. ठीक हो गया, क्योंकि it's L form of it. जब ऑर्निथिन की बात की बेटा, पहला स्टेप सबको याद हो गया, ऑर्निथिन. ऑर्निथिन किसका नाम रखे हैं, खुद से कोई बताए. इशा का नाम रखते हैं. इशा, इशा यू आर द ऑर्निथिन. सो इशा इज द वन जो क्लासरूम के बाहर भी खड़े होकर लेक्चर ले सकती है, वो क्लासरूम के अंदर भी बैठ के लेक्चर ले सकती है. ठीक है, अब इशा के पास, इशा को एक बहुत खास जरूरत है. उस इशा की ना जो क्रेविंग है खाड़ी के सूटों की और मैकडॉनल्ड्स के आइसक्रीम की, वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो इशा ने ये काम, खाड़ी का सूट भी खरीदना है और मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम भी खानी. शी नीड्स अ कंपनी टू गेट आउट फॉर दिस पर्पस. और उसकी कंपनी कौन है, नायला अब्दुल्ला. नायला अब्दुल्ला उसके साथ वो रब्ता में है और वो कहती है अच्छा तुम बेफिक्र, ऐशा मैं आ रही हूँ और हम दोनों निकलते हैं, हम सूट भी खरीदेंगे और हम मैकडॉनल्ड्स से भी खाएंगे. ओके ईशा, तुम्हारा प्लान बन गया, फिर आगे चलते हैं. इस सारे काम के लिए अब ना तो ईशा के पास गाड़ी है ना तो नायला के पास गाड़ी. अब दोनों ओके हो गए, मगर अब इन्होंने एक तीसरा दोस्त फंसाना है जिसने गाड़ी भी लगाया. Who else can, could it be other than Afira? Afira will take her Mercedes Benz and she picks both of them, Naila and Isha. ठीक है, this Mercedes Benz जो कि Afira ने लेकर आनी है और शो मारनी है अपने दोस्तों के सामने कि देखो मेरे पास कितनी महंगी और बड़ी गाड़ी है, ये ऐसे तो नहीं है. Afira को उसके अबू ने दे देनी, Afira को गेम डालनी पड़ेगी. तो वो गेम जो डालनी होती है वो अपने भाई से डलवाती है जिसका नाम है कार्बोमाइल फॉस्फेटेस, फॉस्फेट सिंथेज 1, CPS1. ठीक है, तो Afira के भाई हैं जो के, या जो जिनके जिनके पास मर्सिडीज की चाबी होती है, और वो Afira को मर्सिडीज की चाबी देते हैं किसके, और ताकि Afira, ईशा और दूसरी किसका नाम लिया था हमने, ईशा और नायला को लेके जाए. ठीक है जी, इस सारे प्रोसीजर के अंदर जो CPS1 है, कार्बोमाइल फॉस्फेट है, इट गिव्स द कीज ऑफ अ मर्सिडीज बेंज. और वो मर्सिडीज बेंज क्या है, मर्सिडीज बेंज इज अ कन्वर्टर और अ ट्रांसपोर्टर और अ मीन ऑफ अ सोर्स और थर्ड पार्टी इन बिटवीन ऑर्निथिन एंड सिट्रोलिन. सो इट कन्वर्ट्स ऑर्निथिन इनटू सिट्रोलिन. ठीक है, एंड दिस इज डन हाउ, बाय एडिशन ऑफ अ कार्बोमाइल ग्रुप. कार्बोमाइल ग्रुप, कार्बोमाइल ग्रुप क्या है, आप अपने डायग्राम्स में देखो, एक एन बना हुआ है, एक सी ग्रीन में बना हुआ है, एन पिंक में बना हुआ है, और उसके साथ H2 लगा हुआ है, उसके नीचे ओ लगा हुआ. ठीक है, इस पूरे कार्बोनाइल ग्रुप, इसको पूरे को कार्बोमाइल ग्रुप कह सकते हैं. ठीक है, इसके अंदर कार्बन भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन. ये ऑर्निथिन डेफिशिएंट होता है इस ग्रुप का, और ये बहुत चार्ज्ड और महंगा ग्रुप है, ये मर्सिडीज है. ठीक है, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट यानी Afira के भाई के थ्रू हम लोगों को मिली है. ठीक है, कार्बोमाइल फॉस्फेट जब आता है तो उसके पास ये कार्बोमाइल ग्रुप होता है, और ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोक्सिलेज, ट्रांस कार्बोक्सिलेज यानी उसने इसके ऊपर से उठा के और आगे सिट्रोलिन को दे देना. ठीक है जी, ये तो पहला काम वाइज जी अंदर खाते हमारा कौन कौन थे, नायला थी, Afira थी, और कौन था, किसका नाम लिया था, मुझे भूल गया, ईशा, इनका ग्रुप बनाया. अब अंदर खाते इन्होंने ये एग्जीक्यूट किया, अब से निकलना है, सूट खरीदते हैं, आइसक्रीम खानी है, मर्सिडीज भी पकड़ ली है, मगर माँ बाप तो कहेंगे यार मतलब ये काम सारे तो हम भी कराते हैं, तुम लोग तीनों क्यों जा रहे हो, और ये बात तो कोई ना कोई तो बहाना होना चाहिए ना कि हम तीनों ने एविसिना भी जाना है, हमने वहाँ पे डॉक्टर अली के पास असाइनमेंट सबमिट कराने जानी. ठीक है, इसे ना बड़ा सही
काम, तो वो तो फिर आपको पता है कोई मना नहीं करेगा, तो कहेंगे जाएं आप सर आंखों पे, अपने बेटा कॉलेज जाना है और डॉक्टर लीगल असाइनमेंट सबमिट करनी है, तो ना कर सकते पहुंचो। तो जो असाइनमेंट है ना, जो डॉक्टर अली को सबमिट करानी है, वो नीचे आ सकती है। असाइनमेंट क्या है, ये क्वेश्चन फॉर्म में आएगा। एक नीचे देखो बेटा, अब इसी के नीचे देखो, बाइकार्ब अमोनिया और दो एटीपी, देख रहे हो, नजर आ रहा है जहां पे मैंने माउस फेरा है, अपनी किताब में देखो, बाइकार्ब अमोनिया NH3 और दो एटीपी, ठीक है ना। ये वो असाइनमेंट है जो कि मिली हुई है डॉक्टर अली की तरफ से, जो कि कल तक हमने सबमिट करानी है। और इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए भी दोबारा से अफीरा का भाई हेल्प कर रहा है, एक तो वो गाड़ी भी दिलवा रहा है और दूसरा क्या कह रहा है, असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए बेचारा अपना कंप्यूटर भी दे। तो वो भाई का क्या नाम था, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1, ठीक है जी। ये क्या करेगा, इन इस असाइनमेंट के अंदर बाइकार्बोनेट और अमोनिया को मिक्स करेगा और फॉस्फेट जो एटीपी से मिला उसे भी मिक्स करेगा। तो तीनों चीजों को मिक्स करके, जैसा मिल्कशेक नहीं बनाते, मिल्कशेक बनाएगा, और वो इन तीनों चीजों का मिल्कशेक क्या बनेगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट ग्रुप बनेगा, ठीक है। एक बहुत नायाब ग्रुप मर्सिडीज कार्बोमाइल फॉस्फेट, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट ग्रुप बना, किस एंजाइम कौन सा है इसके अंदर, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1, ठीक है ना। उसने प्रोडक्ट क्या निकाली है, कार्बोमाइल फॉस्फेट एज ए मिल्क शेक ऑफ ऑल थ्री, फॉस्फेट नाइट्रोजन बाइकार्ब। और इस कार्बोमाइल फॉस्फेट की सिंथेसिस के बाद क्या होना है, जब इसने इस मर्सिडीज ने अवेलेबल होना है, तो ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोक्सिलेज ने इसको पकड़ना है, और इधर से ऑर्निथिन को पकड़ना है, अफीरा ने जनाब साहब उधर से ईशा को पकड़ना है, ईशा ने पकड़ के हम लोगों ने नायला के पास जाना है। तो उसने क्या करना है, अपनी मर्सिडीज में ऑर्निथिन को बिठाना है, तो ऑर्निथिन के ऊपर जैसे ही कार्बोमाइल लग गया, वो सिट्रोलिन बन गया, ठीक है ना। अब मर्सिडीज वाला बंदा, महंगा बंदा, वो तो अंदर तो रह नहीं सकता ना, घर पे घर के पोस्ट में मर्सिडीज खड़ी हो तो आप अंदर रहोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल यार, यू विल ड्राइव इट आउट, राइट, दैट मेक्स सेंस ना। तो ऑर्निथिन सिट्रोलिन गोज आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स ऑफ द होल बॉडी। ऑनेस्टली देर इज नो पाथवे विच इज नॉट कनेक्टेड एंड विच कैन नॉट बी अप्रीहेंडेड जस्ट बाय दीज थ्री स्टेप्स जो मैंने आपको पढ़ाए। ऑनेस्टली आपको सारी जिंदगी ये बात याद रहेगी, जो जो पढ़ोगे, every bicarb, every nitrogen, every ATP in the body has a regulation or has a connection to synthesis of carbamyl phosphate group, which is a very precious group, and conversion of ornithine to citrulline. And theek hai, this whole procedure, iski itni badi badi domains hain, कि बाइकार्ब कहाँ कहाँ से आता है, अमोनिया कहाँ कहाँ से आता है, एटीपी कहाँ कहाँ से आता है, जो इसके अंदर से एडीपीज निकलते हैं और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स निकलते हैं वो कहाँ पे जाएंगे, जो यहाँ से फ्री प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं वो कहाँ जाएंगे। सो इन शॉर्ट मेरा कहने का मकसद है कि देयर इज अ ह्यूज कनेक्शंस ऑफ दीज टू स्टेप्स। बस अगर ये याद हो और आपका ब्रेन चलता हो, आप हाजिर हो, दिमाग आपका इधर ही हो, आप हर चीज को खुद से कनेक्ट कर सकते हैं, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आप जनाब तीनों दोस्तें मर्सिडीज लेके सिट्रोलिन के फॉर्म में बाहर निकल आई हैं, ठीक हो गया, फील्स गुड। रास्ते में ना उनको ऐसे चलते चलते ना कौन मिलता है, हीरा मिलती, हीरा से ना वो वैसे ही बड़ी खार खाते हैं हर जगह आके आके, ये क्या है यार, हीरा हर चीज में हमारे साथ दोस्त भी है, फिर भी सर को भी रिपोर्टें देती है, शेख साहब को भी देती है, और पता नहीं हर वक्त बाहर होती है, पढ़ कैसे लेती है, तो हीरा से ही बड़ी सड़ती है। तो अंदर बैठे हुए ना नायला कहती है, इस तरह करते हैं ना, इसे भी साथ बिठा लेते हैं, आज सारा दिन साथ रहेंगे, देखते हैं कैसे करती है। सो दे पिक अप हीरा,
हीरा का क्या नाम है यूरिया साइकिल में? एस्पार्टेट. एस्पार्टेट इज हीरा. हीरा शी हैज अ वेरी गुड हार्ट. शी ट्रस्ट ऑल ऑफ अस एज गुड फ्रेंड्स एज अ गुड कंपनी एंड शी कैन नेवर फील लाइक कि यार कोई बंदा मेरे से सिर्फ किसी मकसद के लिए या किसी नीड के लिए कनेक्शन रख रहा है. शी फील्स के ओ मेरी तीन दोस्त हैं वो भी मर्सिडीज में आई हैं. लेट्स पॉप इन. सो दे बिकम फोर गर्ल्स इन वन मर्सिडीज इन लाहौर सिटी गोइंग अराउंड. नाउ एज सून एज एस्पार्टेट जॉइंस सिट्रोलिन, नाउ द प्रोडक्ट चेंजेस इट्स नेम. नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ सिट्रोलिन एंड aspartate called as arginino succinate. ठीक है जी. Can you see your arginino succinate? Where it is? Very good. अच्छा हीरा तुम्हें पता चल रहा है कि इस arginino succinate के अंदर जब aspartate और citrulline बने हैं अगर गौर से देखोगे तो क्या चेंज आया? चेंज सिर्फ इतना सा आया है कि देयर वाज अ डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन जो कि टूटा, उधर आके नाइट्रोजन लग गया हुआ है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन गायब है. नजर आ रहा है सबको गौर से? ठीक है. आर्जिनिनो सक्सिनेट के दौरान कार्बन जो ग्रीन वाला ना उसके सामने पहले डबल बॉन्ड ओ था, अब वहां पे डबल बॉन्ड एन है. ठीक है. तो यहाँ पे जो पहला काम हुआ है यहाँ पे दिस इज द रिडक्शन रिड्यूसिंग स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल. सो इफ समबडी सेज बेटा नेम द एलिमेंट रिडक्शन स्टेप ऑफ द यूरिया साइकिल सो दिस इज वेयर इट इज. सो कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, निम्रा थी, ईशा थी और अफीरा थी. इन तीनों को हीरा से इतनी को खास लगाव नहीं है, मगर जस्ट फॉर द पर्पज कि जी हीरा को हमने टारगेट करना है, इन्होंने गाड़ी में बैठाया. थोड़ी देर के बाद जब हीरा गाड़ी में बैठ के कंफर्टेबल होती है तो ये पूछे तुम कितनी निकली हुई थी? तो कहती है कि ये जो डॉक्टर अली की ना मेरे पास असाइनमेंट है ना, ये देखो मैंने कितनी प्यारी बनाई है सारा डिटेल में, ये मैं सबमिट कराने जा रही हूँ एबीसी में. अच्छा इन दिन तीनों के दिल में ख्याल आता है, कहते हैं यार हमने ना मेकडॉनल्ड्स के सामने गाड़ी रोकते हैं और हीरा को कहते हैं तुम अंदर से आइसक्रीम पकड़ो और ना हम ना इसकी असाइनमेंट गाड़ी में पड़ी होगी, हम तीनों गाड़ी निकले गए. हद की जलालत वाला प्लान बना. तो आज जिनिनो सॉरी नो ऑफेंस टू एनीबडी, जिनिनो को जरा थोड़ा सा जिनको पंजाबी अच्छी आती है जिनिनो को जरा थोड़ा सा अपना स्लैंग कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा सक्सीनेट यानी वो जिनिनो सक्सीनेट है, सक्सेसफुल है. ठीक है. तो ये लोग क्या करते हैं, हीरा को करते हैं डिच मैकडॉनल्ड्स में और उसकी असाइनमेंट और दोनों तीनों लेकर निकल पड़ते हैं. अब इन तीनों के पास एक नाइट्रोजन यूनिटी है हीरा की यानी एस्पार्टेट की और खुद अपनी है. तो हीरा का क्या बनता है, हीरा बाहर निकलती है, हीरा परेशान हो जाती है और शी सेज ओ माय गॉड आई एम टोटली बस्टेड. तो द बस्टेड फॉर्म ऑफ एस्पार्टेट इज फ्यूमरेट. तो वो फ्यूमरेट बन जाएगी, फॉरन फ्यूमरेट यानी फैमिली को कॉल करेगी, अबू को कहेगी बाबा मेरे साथ ये हुआ मुझे यहाँ से लेने आ जाए. तो स्मार्ट गर्ल बिकम्स अ फैमिली गर्ल और कॉल्स अ फैमिली फ्रेंड्स. तो ये फ्यूमरेट बन गई. मगर हमारी तीन शहजादियाँ वो तो डबल इन सूट हो गई हैं. सो दे हैव मनी. सो नेक्स्ट ऑलराइट बेटा, in short, arginine is the only form of the molecule which may not possess nitrogen anymore. Aur wo kya hota hai ki unfortunately or fortunately, this is the only form of amino acid which loses nitrogen to a complete extent, jo ki iske upar covalently attached hua hota hai. So urea is being formed
एंड ऑल, बाकी हम बाद में कभी करें. एंड इंशाल्लाह ऑल ऑफ यू आई नीड द होल असाइनमेंट टू मी एंड यू मे ऑल डिस्कस एवरीथिंग विद मी. ऑलराइट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ.